हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो रेलवे का सार संग्रह है खान सर का, उसका अगला पार्ट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय क्या है? तो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसके उल्टा कहेगा कौन सा पौधा है, तो पीपल जो है ये 2400 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल और नीम ये 2400 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है। पीचर प्लांट के जो पौधा है ये कीट खाता है। पीचर प्लांट के जो पौधा है क्या खाता है, तो कीट खाता है। एडिस इजिप्ट मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, तो डेंगू रोग होता है। और डेंगू रोग होने पर क्या होता है, तो मानव शरीर में रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आपको अगर डेंगू हो जाएगा तो आपके खून में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगा। सैमुअल कोहेन ने न्यूटन बम का आविष्कार किया था, यानी कि सैमुअल कोहेन ने परमाणु बम का आविष्कार कब किया था, तो 1945 में। और हाइड्रोजन बम के आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर कब, तो 1952 में। हाइड्रोजन बम के आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर 1952 में। लोटस टेम्पल जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका संबंध गएगा किस धर्म से है, तो बहाई धर्म से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य की राजधानी कहाँ पर बनाया था, तो लाहौर में। और महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कहेगा तो ये हो जाएंगे खड़ग सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी कब, तो 1699 में। और इनका जन्म हुआ था पटना में 1666 में, और इनकी मृत्यु हुआ था नांदेड़ में 1708 में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की, इनका जन्म पटना में 1666 में हुआ, मृत्यु हुआ था नांदेड़ में 1708 में। सिखों के पांचवें गुरु कहेगा कौन थे, तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, और इन्होंने गुरु नानक साहब के जीवनी की भी रचना की थी। और अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निर्माण भी गुरु अर्जुन देव किए थे। राज्यपाल अपने कृत्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करते हैं, और ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, और इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति, और ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, और ये किसके तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 155 के तहत। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा, अवतल लेंस का उपयोग सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के में किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग सूर्य के जो प्रकाश है उसे संकेंद्रित करने में किया जाता है। और अवतल दर्पण कहेगा तो इसका प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में या टॉर्च में भी। आगे देखेंगे, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष अगर आपको हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, तो आपको निकट की वस्तु दिखाई देगी, जो रोग होगा वही दिखाई देता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर की वस्तु दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष होने के बाद प्रतिबिंब जो बनता है ये रेटिना के आगे बनता है, और दूर दृष्टि में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। मकई जो फसल है ये अधिकतम पानी अपेक्षित करता है, यानी कि अधिकतम पानी में होता है। और मकई एक खरीफ फसल है, और खरीफ फसल की बुआई जो होती है ये होता है जून जुलाई में। रबी फसल की बुआई होता है अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल में आ जाएगा सरसों, गेहूँ, मटर, ये सब। जुंको तेबई जो कि जापान की थी, ये माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। जुंको तेबई कहाँ की थी, तो जापान के, जो कि 1975 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय पाई थी। और भारतीय कहेगा तो ये भारतीय महिला हो जाएंगी बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 1984 में। खान अब्दुल कपार खान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे, और ये किस देश के थे, तो पाकिस्तान के। और दूसरा विदेशी नागरिक कहेगा तो नेल्सन मंडेला हो जाएंगे, जिनको भारत रत्न दिया गया था 1990 में, खान अब्दुल कपार खान को 1987 में दिया गया था। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, तो दक्षिण अफ्रीका के। विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है। नेशनल डिफेंस अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के खड़गवासला में। खड़गवासला में स्थित है नेशनल डिफेंस अकेडमी के मुख्यालय। और नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना ट्रेंच ये दुनिया की सबसे गहरी जगह है।
प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना ट्रेंच ये दुनिया के सबसे गहरी जगह है और सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा ये ओजोन परत करती है जो कि ये एक हानिकारक किरण है। ओजोन परत के सूत्र हो जाएगा O3। ओजोन परत की क्षरण को रोकने के लिए कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 1987 में। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ओजोन परत ये समताप मंडल में स्थित है और समताप मंडल में ही जो हवाई जहाज चलती है ये समताप मंडल में ही चलती है। आयात तथा निर्यात के मध्य के अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। आयात तथा निर्यात के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं तो भुगतान संतुलन कहते हैं। आयात और निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संबंधी समस्या को दूर करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निर्णय अनुसार किया गया और ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन था ये हुआ था 1944 में। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया गया। प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और इसकी शुरुआत कब हुआ था 1987-88 में। सभी जैविक वातावरणीय जो प्रक्रियाएं हैं ये विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दिशाएं कहाँ पे होता है तो ट्रोपोस्फेयर जो कि क्षोभ मंडल में होता है। सभी जो वायुमंडलीय जो परिवर्तन होता है ये किस में होता है तो क्षोभ मंडल में होता है। खाद्य संस्थान तथा संचय द्वारा विटामिन सी अधिकांश रूप से प्रभावित होता है, यानी खाना बनाने में नष्ट होने वाला विटामिन कहेगा तो विटामिन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो सी फंक किए थे। विटामिन के खोज फंक किए थे 1911 में, और विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से CRY नामक संगठन जो है संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड रिलीफ एंड यू। इसका गठन हुआ था 1979 में। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ल्हासा जो कि तिब्बत के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में एशिया के प्राचीनतम और विशालतम बौद्ध मंदिर बौद्ध जो मठ है स्थित है। तिब्बत में एशिया का प्राचीनतम और विशालतम बौद्ध मंदिर बौद्ध जो मठ है स्थित है। और बोरोबुदुर के जो बौद्ध मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये इंडोनेशिया में स्थित है। ISO 9000 एक अच्छे प्रबंध का मानक है। ISO जो 9000 है ये क्या है तो एक अच्छे प्रबंध का मानक है। डाउन अंडर पद का संबंध किससे है तो ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था और आग का आविष्कार जो हुआ था ये हुआ था पूरा पाषाण काल में। और वही कहेगा कृषि का आविष्कार कब हुआ, कृषि और अस्थाई जीवन के आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। तुगलक वंश का पतन तैमूर लंग के आक्रमण के कारण हुआ था और तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किया था 1398 में, और उस समय तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मुहम्मद का शासक था। शासन किसका था तो नसीरुद्दीन मुहम्मद के शासन था, और तैमूर लंग आक्रमण किया था भारत पे 1398 ईस्वी में। कहेगा संतुलित काल के कौन सा वंश था जो कि सबसे अधिक दिन तक शासन किया था तो ये हो जाएगा तुगलक वंश। और उसी में शासक पूछ देगा, शासक कहेगा तो लोदी वंश के बहलोल लोदी थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा इंडिया हाउस जो कि ब्रिटेन में स्थित है इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कब की थी तो 1905 में। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा किए थे लंदन में 1905 में। और कहेगा इंग्लैंड महात्मा गांधी वकालत पढ़ने के लिए कब गए थे तो पढ़ने के लिए 1888 में गए थे और वहाँ से लौटे थे 1891 में। महात्मा गांधी वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे 1888 में और लौटे 1891 में। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं और भारत के दक्षिणी भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी को जानते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को और दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी को कहते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था इसके द्वारा पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया।
भारत में मतदान की आयु सीमा जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में। और कह रहा है कि महिला को वोट देने का अधिकार कब दिया गया, तो एक्ट 1919 के तहत 1936 में भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार एक्ट 1919 के तहत 1926 में दिया गया। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग दो पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। डॉक्टर सी वी रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। समुद्री मील ये नौ परिवहन दूरी की एक इकाई है। समुद्री मील क्या है, तो नौ परिवहन की एक इकाई है। और एक समुद्री मील बराबर या एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन को भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिख धर्म से। और अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर में, स्वर्ण जो मंदिर है अमृतसर के, इसकी स्थापना किए थे। अर्जुन देव जो सिखों के ये पांचवें गुरु थे, जिसकी हत्या जहांगीर ने कराया था। और गुरु ग्रंथ साहब की रचना का यह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव किए थे। गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहब की रचना किए थे और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निर्माण भी किए थे। और इनकी हत्या जहांगीर ने करवाए थे और ये सिखों के पांचवें गुरु थे। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य नहीं है। भारत जो है सुरक्षा परिषद के अस्थाई अध्यक्ष है। अस्थाई क्या सुरक्षा परिषद जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं, तो 5। और अस्थाई कहेगा सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्य देशों की संख्या कितना है, तो 10, इसमें से एक भारत भी है। सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थाई देश हैं, ये हो जाएगा अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इसे याद करने के लिए याद कर सकते हैं ABRFC। ए से हो जाएगा अमेरिका, बी से ब्रिटेन, आर से रूस, एफ से हो जाएगा फ्रांस, सी से हो जाएगा चीन। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 1928 में जीता था हॉकी के क्षेत्र में। और अंतिम जीता है 1980 में एम्स्टर्डम में। पहली बार जीता था 1928 में, अंतिम बार कहेगा तो 1980 में। ये हॉकी के क्षेत्र में है। राजा हर्षवर्धन दक्षिण के चालुक्य के शासकों द्वारा पराजित हुए थे। हर्षवर्धन को कहेगा किसने हराया था, तो चालुक्य के वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, और ये नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराए थे। हर्षवर्धन के उपनाम कहेगा तो शिलादित्य हो जाएगा। रवि कृति द्वारा लिखित एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन और चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। रवि कृति द्वारा लिखित एहोल अभिलेख में हर्षवर्धन और चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। और कहेगा हर्षवर्धन के तो पुलकेशिन द्वितीय हराए थे, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराए थे, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय को हराए थे नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। 1857 का विद्रोह छेड़ने की अवधि में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल कहेगा तो 1856 से 62 तक हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का परिवर्तन मैकाले द्वारा किया गया था 1835 में। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है एवं इसे मुझे अवश्य पाना है, ये किसका कथन है, तो बीजी तिलक का। बीजी तिलक गरम दल के नेता थे। और इनकी प्रसिद्ध पत्रिका हो जाएगा मराठा, जो कि प्रकाशित होता था अंग्रेजी भाषा में। और जो इनकी केसरी पत्रिका था, ये प्रकाशित होता था मराठा भाषा में। नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है, और जो गोदावरी नदी है ये त्रियंबक गांव, नासिक के त्रियंबक गांव से निकलती है। केरल की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। और केरल मसाला तथा रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा। आगे देख लेंगे, क्यूबा की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो क्यूबा की मुद्रा हो जाएगा पेसो। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक कुमुदिनी हो जाएगा, जिसे लिली कहते हैं। फ्रांस को सुंदरियों का देश या किसानों का देश भी कहा जाता है। हमारे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे। और प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा।
संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। डेविड कॉपरफील्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो चार्ल्स डिकेंस हो जाएंगे। फलुदा पात्र का सर्जन सत्यजीत रे ने किया था। फलुदा पात्र का सर्जन किसने किया था? सत्यजीत रे ने। श्रीकांत पात्र का सर्जन किसने किया था? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। गीतांजलि पुस्तक की रचना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, और जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, शुरुआत हुआ था 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2016 के विश्वनाथ को दिया गया। भरतनाट्यम मूलतः ये तमिलनाडु का नृत्य है जिसका प्राचीन नाम कहेगा तो सदील है। भरतनाट्यम नृत्य के प्राचीन नाम हो जाएगा सदील। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते थे? तो ये बजाते थे बांसुरी। विलायत खान क्या बजाते थे? ये बजाते थे तबला। और जाकिर हुसैन के संबंध भी तबला से हो जाएगा। रविशंकर क्या बजाते थे? तो सितार। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वेंसन एंड हेजेस कप का संबंध किसके साथ है? तो क्रिकेट के साथ। वेंसन एंड हेजेस कप का संबंध हो जाएगा क्रिकेट के साथ। राजीव गांधी गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। अमेरिका की संसद के नाम क्या है? तो अमेरिका के संसद को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1699 में हुआ था, और 1699 में ही गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के कुल कितने गुरु हुए? तो सिखों के कुल 10 गुरु थे। और वही गुरु गोविंद सिंह के जन्म कब हुआ था? तो पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म पटना बिहार में हुआ था 1666 में, और इनकी मृत्यु हुआ था नांदेड़ में 1708 में। भूमंडल पर उस रेकर्डबंदी का विस्तार कर क्यों मकर रेखा के बीच है? भूमंडल पर जो उस रेकर्डबंदीय रेखा के विस्तार कहाँ पे है? तो कर के मकर रेखा के बीच। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो के अन्य नाम जायरे नदी भी कहते हैं। मौसम परिवर्तन के प्रभाव का अधिकतर जो अनुभव है ये उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में होता है। मौसम परिवर्तन के प्रभाव का जो अधिकतर अनुभव है ये समशीतोष्ण क्षेत्र में होता है। नीलगिरी पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विस्तार है, और भारत में जो पहला जैव संरक्षण अधिनियम जो जैव संरक्षण का शुरुआत की गई थी ये नीलगिरी पहाड़ पर की गई थी 1986 में। और नीलगिरी पहाड़ी पर ही पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल उटकमंड यानी कि ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो अनाई मुंडी हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा डोडा बेटा, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाई मुंडी। विश्व में कपास उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीन। यूफ्रेटस व टिग्रिस इराक की प्रमुख नदियां हैं। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और जो भारत में मौलिक अधिकार है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसद का सदस्य नहीं होने के बाद भी महान्यवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, और महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। महान्यवादी भारत सरकार का ये प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था है।
और इसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, जिसे शॉर्टकट में IDA कहते हैं, को विश्व की उदार ऋण की खिड़की भी कहते हैं। इसे विश्व के उदार ऋण की खिड़की भी कहते हैं IDA को। विश्व बैंक के मुख्यालय कहेगा तो वाशिंगटन DC में स्थित है, जिसका गठन हुआ था 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। आगे देख लेंगे, आगे है मानव जो यकृत है ये हार्मोन का निर्माण नहीं करते हैं। पौधे में श्वसन से पौधे का प्रकाश संश्लेषण के जो क्रिया है ये अधिक तेजी से होता है, और ये किसके द्वारा होता है तो पत्ती के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे अधिक होता है। लजा पुस्तक के लेखक हो जाएंगी तस्लीमा नसरीन, और ये किस देश के हैं तो ये है बांग्लादेश के। मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव ये उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है सौर जगत में बृहत्तम ग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा बृहस्पति, और लघुत्तम ग्रह यानी कि छोटा ग्रह हो जाएगा बुध, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उपलब्ध है। और सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कहेगा तो शुक्र ग्रह हो जाएगा, और शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। मुगल काल में फारसी भाषा को राजकीय संरक्षण दिया गया। कलीमुल्ला बहमनी राज्य का ये अंतिम शासक था, और बहमनी राज्य का स्थापना किसने किया था, हसन गंगू 1347 में। बहमन शाह हसन गंगू 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना किए थे। अंतिम शासक कहेगा तो कलीमुल्ला हो जाएंगे। बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे गोपाल ने। पाल वंश की राजधानी कहेगा तो मुंगेर बिहार में है। कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो कश्मीर में। कर्नाटक कॉफी का और आंध्र प्रदेश तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तंबाकू के आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कहेगा तो कॉफी के। जूट उत्पादन में भी अग्रणी राज्य कहेगा तो कर्नाटक हो जाएगा, और बिहार में जूट उत्पादन में सबसे अधिक किस जिले में होता है, तो पूर्णिया में होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। उद्योगों में प्रयुक्त जो रसायन है ये प्रचुर मात्रा में होता है कोल तार। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला कहेगा तत्व कौन सा हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे देखेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सबसे पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सबसे पहले किसको बनाया गया था, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के खोज किसने किया था, तो 1676 में लीमन हॉक किए थे। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में जल का अवशोषण होता है, जिससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल शोर होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन और वातावरण के बीच के संबंध को बताता है। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन और वातावरण के बीच के संबंध को बताता है। पहली बार पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किए थे अर्नेस्ट हेकल, और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के प्रयोग पहली बार एजी टांसले किए थे 1935 में। मधुशाला की रचना किसने किया था, हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो पुणे में। जॉर्ज स्पीड फिजी के विद्रोह जो कि 2000 ईस्वी में हुआ था के लिए जिम्मेदार थे। जॉर्ज स्पीड फिजी के विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे जो कि 2000 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लेंगे, हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, और ह्वेनसांग जो था ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कहेगा कुलपति कौन थे, तो ये थे सिलभद्र। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और ह्वेनसांग की यात्रा की व्याख्या किसमें की गई है, तो इसकी पुस्तक सी यू की में। बाल गंगाधर तिलक ने गृह शासन आंदोलन जिसे होमरूल कहा गया ये कहाँ पे चलाए थे, तो ये चलाए थे महाराष्ट्र में, और एनी बेसेंट चलाई थी मद्रास में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक। धातुएं चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का कारण विराम जड़त्व के कारण हो जाएगा।
जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते हैं, क्योंकि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते हैं, क्योंकि लोहे द्वारा विस्थापित जल के भार लोहे के भार से कम होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। वायु मिश्रण है तथा पीतल एक मिश्र धातु है। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार, ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सूखा बालू चमकीला परावर्तन के कारण दिखाई देता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगा तो चंद्र ग्रहण होता है। बॉयल के जो नियम है, ये नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। बॉयल के नियम ये नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। आगे हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू करता है। हैजा रोग ये जीवाणु के कारण होता है जो कि प्रभावित करता है आंत को। प्रतिजैविक का स्त्राव कहाँ पे होता है तो गुर्दे के द्वारा नहीं किया जाता है। इसका स्त्राव नहीं किया जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। और मानव शरीर के रक्तचाप का माप किससे किया जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से किया जाता है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें, या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।